दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस नोट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तो बेरोजगारी भत्ते के रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जैसा जानकारी बताऊंगा कि अभी जिनके भी जुलाई माह के अंदर जिनके भी बेरोजगारी भत्ते तो रिन्यू कराने होते हैं ना, तो उन्हीं की अभी तो लास्ट डेट तो सामने आ चुकी है। और उनके तो किसी के तो बेरोजगारी भत्ता तो रिन्यू कराते समय जो भी तो एरर आ रहा है, किसी की साइड नहीं चल रही है, तो इसकी आपको मैं पूरी डिटेल बताऊँगा कि आप तो अब हम तो लास्ट के बचे हुए दिनों के अंदर अपना बेरोजगारी भत्ता किस माध्यम से रिन्यू तो करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो आगे तक पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते की तो पल पल की लेटेस्ट तो खबरें समय पर मिलती रहे। और बस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन तो मिलता रहे कि हम आपके लिए जो भी ऐसी ऐसी तो खबरें ला रहे तो आपको वो सही तरीके से वो समझ में आती है। ओके दोस्तों, तो हम बात करेंगे तो बेरोजगारी भत्ते व रिन्यूअल के प्रोसेस के बारे में। आप सभी को पता है कि तो 31 जुलाई से पहले पहले जुलाई मंथ के अंदर जिनके जिनके भी बेरोजगारी भत्ते का तो एक साल तो कंप्लीट हो गया, जिनके भी तो मान के चलिए जिस हिसाब से बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए मिलता है और एक साल तो कम्प्लीट होने के बाद हमें अपना बेरोजगारी भत्ता तो रिन्यू तो कराना होता है। ओके दोस्तों, तो उस तो रिन्यूअल तो प्रोसेस के अंदर हमें तो 1 मंथ का तो टाइम मिलता है, यानी कि हमें तो 1 महीने का समय तो मिलता है। जिनके भी अभी जुलाई के अंदर तो बेरोजगारी भत्ते तो रिन्यू होने वाले, उनके 31 जुलाई से पहले पहले तो रिन्यू के फॉर्म वो सबमिट हो जाने चाहिए। तो ओके दोस्तों, अगर हमारे फॉर्म समय पर सबमिट अगर हमने नहीं किया तो हमारा बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली स्टॉप कर दिया जाएगा, यानी कि हमें तो आगे से इसके तो बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी 4 से 5 दिन के अंदर तो बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म तो रिन्यू तो कराने में बहुत ही ज़्यादा तो प्रॉब्लम यानी कि दिक्कतों का सामना करना तो पड़ रहा है। तो दोस्तों, जब भी हम अपना तो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म रिन्यूअल तो प्रोसेस के लिए तो सबमिट करते हैं, उसके अंदर तो 501 और 503 का बहुत तो एरर तो बता रहता है। और दोस्तों, जब भी हम अपना तो आधार नंबर या बेरोजगारी भत्ते के अंदर सबमिट करते हैं, उसके अंदर तो साइड नहीं चल रही है। तो दोस्तों, तो ये सभी दिक्कतें आप सभी को तो ये दिक्कतें आप सभी के सामने तो ज़रूर तो आई होगी। तो दोस्तों, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो दोस्तों, पहला सॉल्यूशन तो आपको तो 1 या 2 दिन तक आपको इंतज़ार तो करना तो पड़ेगा। अगर आपकी ये साइड ये सही तरीके से अगर सुचारू रूप से चलने तो लगेगी तो आप अपना बेरोजगारी भत्ता सबमिट तो करा देना। अगर आपको दोस्तों ये तो प्रॉब्लम ऐसे ही तो आती रही तो आपको सबसे पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जिला है, जैसे आपके राजस्थान के अंदर वो 33 जिलों के अंदर आपका जो भी जिला है उस जिले के अंदर रोज़गार तो कार्यालय ज़रूर होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज़गार कार्यालय होता है, उस रोज़गार तो कार्यालय के अंदर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाइए और वहाँ पर जितने भी तो अधिकारी उनसे आप तो बात तो कीजिए कि हम अपना तो बेरोजगारी भत्ता रिन्यूअल नहीं करा पाए। तो यानी कि तो उनको मतलब 31 जुलाई से पहले पहले आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उनको आप पूरी डिटेल साथ समझाइए कि हमारा बेरोजगारी भत्ता ई मित्र पर जब हम रिन्यू कराते हैं तो साइड तो एरर बता रही है और साइड नहीं चल रही है और तो इसके बाद हमारा फॉर्म तो रिन्यू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप अगर आप तो वहाँ पर तो बात करेंगे तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, आपका फॉर्म वो रिन्यू तो करा देंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों, 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म ज़रूर तो रिन्यू तो करा दीजिएगा, नहीं तो नहीं तो आपका बेरोजगारी भत्ता परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।